फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो आप लोग यहां पर इसके बारे में बात कर सकते हैं। बात करेंगे मालदीव के बारे में, पहले लोकेशन देखिए कि कहां पर ये लोकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर मालदीव। तो यहां पर ये जो आर्टिकल है ये कवर किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर भी यहां पर, और बात की जा रही है ग्रेट मालदीव रिज। रिज मतलब एक तरह चोटी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऊंची चोटी। तो उसके चलते यहां पर पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। और यहां पर जो है कई बार आप लोगों ने कई बार सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा फिर से आप लोग सुन लीजिए। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी जो है, अगर बात करें ये जो अफ्रीका इंडिया सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये प्रॉपर एक आप लोगों ने देखा यहां पर गोडवाना करके था, ठीक है, तो उसमें से निकाल के यहां पर ये सारी चीजें बनी है। आज के डेट में अगर आप लोग देखते हैं यहां पर ये वेस्ट गोडवाना, फिर अफ्रीका इंडिया ये सारे निकल गए, इंडिया यहां से निकल के उधर उधर आ गया, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पहले कुछ और हुआ करता था, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये प्लेट टेक्टोनिक्स थोड़ी ही यहां पर गोडवाना था जैसे यहां पर, ठीक है, और फिर यहां पर चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई। फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली वेस्ट गोडवाना और इधर ईस्ट गोडवाना बन गया था, और फिर ऐसे ऐसे चीजें चली। तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहां पर जो देखने को मिलता है, तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि तीन तरीके से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे डाइवर्जन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में कन्वर्जेंट हो गया और इसी के साथ में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो एक दूसरे से दूर जाना तो इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कन्वर्जेंट बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये वाली प्लेट है यहां पर और ये इसके नीचे जा रही है यहां पर, तो ये इस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको यहां पर बेसिकली एक तरीके से कन्वर्जेंट बोलते हैं। और जब इस तरीके से बराबर में से हटना प्लेट का, तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये जो है उसी के बेस पर निकल कर आती है। नॉर्मली एक और इंपॉर्टेंट है यहां पर बात, आप लोग अगर इसको समझ पा रहे हैं, आप लोगों ने पृथ्वी की स्ट्रक्चर समझी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी में काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। एक इनर कोर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक आउटर कोर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक मेंटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर मेंटल के बाद में अगर बात करेंगे तो क्रस्ट आ जाएगा सबसे ऊपर, पर लेकिन मेंटल और यहां पर क्रस्ट के बीच में एक होता है एस्थेनोस्फीयर। ये एक तरीका सम काइंड ऑफ एक, मतलब ना तो ज्यादा ठोस और ना ही ज्यादा एक तरीके से लिक्विड, उसके बीच का आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मटेरियल, जिसके ऊपर ये हमारी प्लेट जो है वो घूमती है। तो एस्थेनोस्फीयर बेसिकली उसको बोला जाता है, जिसके ऊपर यहां पर प्लेट जो है वो आप लोगों को घूमती नजर आती है। तो ये कईयों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एस्थेनोस्फीयर के बारे में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले इसके लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी कर दी, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। अभी यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि वेस्टर्न जो बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर में यहां पर जो इसके ऊपर साइंटिफिक डिबेट होता रहता है कई बार, कि कैसे कैसे चीजों का ओरिजिन हुआ है, कि इंडियन ओशन का कैसे ओरिजिन हुआ है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो मुंबई है उसके द्वारा यहां पर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा यहां पर एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसके बेस पर यहां पर ये डिबेट और डिस्कशन निकल कर आ गया इसके पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही है। तो यहां पर जैसे मैंने बोला अभी यहां पर ग्रेट मालदीव रिज के बारे में बात की, तो यहां पर ये ऐसा देखने को मिलेगा कोई एसोसिएटेड नहीं है यहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के साथ में, ये जो चोटी है किसी भूकंप के साथ में नहीं है। तो इंडियन ओशन के अंदर अगर जाएंगे तो साउथ वेस्ट में जो अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि यहां पर एक अलग ही लेवल की यहां पर एक तरीके से चीज देखने को मिलेगी कि इंडियन ओशन जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि कैसे वो बना, उसको समझने की कोशिश यहां पर की जाती है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया गोडवाना कैसे कैसे यहां पर ब्रेक हुआ, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि पहले कैसा हुआ करता था और अब यहां पर कैसी होगी, तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में आ ही रही है सही से, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो चीजें बनी है, फॉर्मेशन हुआ इंडिया का इंडियन ओशन के अंदर सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये प्लेट टेक्टोनिक स्टोरी का जो पूरा कमाल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बात की। प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर यहां पर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बात करें, इसको लिथोस्फीयर प्लेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में जब बात करें तो ये इरेगुलर शेप जो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके बेस पर यहां पर ये फ्रिक्शन निकल कर आता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये कॉन्टिनेंटल भी होती है और ओशनिक भी होती है। कॉन्टिनेंटल मतलब जो कि जमीन पर यानी कि सतह पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ओशनिक जो कि समुद्र के अंदर होती है। यानी कि जो थ्योरी मैंने बताई है आप लोगों को यहां पर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन जो यहां पर ट्रांसफॉर्म होती चीजें, ये ऐसा नहीं है जमीन पर ही होंगी, ये समुद्र के अंदर भी तो चीजें हो सकती हैं, या फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है जमीन के अंदर पे। तो दोनों जगह यहां पर ये थ्योरी जो है ये हो सकती है, किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि यहीं पर ही होगी या फिर वहां पर नहीं होगी, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आप लोगों को मतलब नहीं समझना है। तो ये आप लोगों को हर जगह देखने को मिल सकती है। तो टेक्टोनिक जो प्लेट थ्योरी है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी 1967 में, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट जो खासकर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पैसिफिक प्लेट है वो लार्जली ओशनिक प्लेट है, यानी कि वहां पर मैक्सिमम ओशन पाया जाता है, और यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया की जो प्लेट आएगी उसको कॉन्टिनेंटल, यानी कि वहां पर ज्यादातर जमीन पाई जाती है, तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। इस कई बार यूपीएससी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जाती है, पर माइंड में क्लैरिटी रहेगी
तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट समझो, बाकी सारी चीजें चलती रहती है। और जो मिड ओशनिक रिज बोला गया तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैग्मा हो गया, जब ये बाहर निकल कर आते इसको लावा बोलते हैं, तो ये प्लेट हो गई यहां पर, और ये क्या हो गया जब एक दूसरे से जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर चीजें क्रिएट हो रही है, ओके। इसी के साथ में मिस जो यहां पर मिड ओशनिक जो रिज है यहां पर, ये तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, अंडर वाटर माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि हाँ समुद्र के अंदर माउंटेन निकली हुई थी, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी या फिर मोहोरिक जो डिसकंटिन्यूटी आप लोग इसको बोलते हैं यहां पर, ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि यहां पर एक ऐसा एक डिसकनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ये रेड है यहां पर, ये जो कि अलग कर देता है यहां पर क्रस्ट को मेंटल से, यानी कि मेंटल जो हो गया वो नीचे वाला पोर्शन हो गया और ऊपर हो गया क्रस्ट, तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है जो, उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी या फिर यहां पर मोहोरिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये डायग्राम में जो आप लोगों को रेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है सारे, और मैक्सिमम चीजें आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएंगी अगर ढंग से आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो इसलिए कहता हूं चीजों को ढंग से पढ़ो, भले ही कम पढ़ो पर लेकिन ढंग से पढ़ो। ये जो डिस्कवर की गई थी यहां पर, इनका नाम था एंड्रेजा मोहोरिक, जो कि 1909 में इनके द्वारा यहां पर ये डिस्कवर की गई थी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्मिक वेव के बारे में, ठीक है, तो यहीं से निकल कर आती है। तो सरफेस यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो यहीं से वो वेव से निकल कर आती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर एक और बताया गया कि सरफेस एवरेज अगर डेप्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो 8 किलोमीटर की जो है यहां पर ओशियन बेसिन के अंदर में, ठीक है, और 32 किलोमीटर की आप लोगों को कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कहीं पर फिक्स है, कहीं पर देखिए जैसे पृथ्वी पर है ना, कहीं पर छोटी होगी कहीं पर पहाड़ होगी, ऐसे समुद्र में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अलग अलग सरफेस रहता है, कहीं पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि कैसे कैसे चीजें बनती है और कैसे कैसे चीजें चलती है। तो ये पूरा फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। था ना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, तो अंदर की बात है जब पृथ्वी के बारे में जानने को मिले, तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर हो जाता है जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके।